हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्लानी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ अरसलान। तो ये हमारी सिक्स्थ लाइव क्लास है इटालियन क्लासेस की 2022 की सीरीज की। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फैमिलीज एंड इटालियन के सम वर्ड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो पसंद तो आपको जरूर आएगी, तो इसको अभी से लाइक, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। उसके बाद में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी थी, जो आज हम लोग लेसन के अंदर जो भी कुछ पढ़ेंगे ये आपको पीडीएफ के जरिए आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, उसके बाद में इसका लिंक आपको कमेंट्स के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। तो वेट किस चीज का करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला फैमिली का मेंबर है, ठीक है, वो हम खुद हैं। ठीक है, ये दरमियान में जिधर मेरा माउस जा रहा है, माउस के ऊपर फोकस करें। जो हम पर्सन है वो हम पहले खुद हैं, ठीक है, इयो, मैं इयो। उसके बाद में सबसे, फिर उसके बाद में जो सबसे बुजुर्ग, मतलब सबसे जो ओल्ड हमारे थे, ठीक है, सबसे बड़े हैं उनके, जो हमारे ग्रैंड हैं उनके ऊपर चलते हैं। दादी अम्मा हो या नानी अम्मा हो, उन्हें सेम बोलते हैं नोन्ना, उन्हें बोलते हैं नोन्ना। उसके बाद में जो दादा बू होते हैं उन्हें बोलते हैं नोन्नो, नोन्नो जो दादा बू होते हैं। उसके बाद में जो अंकल होते हैं, ठीक है, जो अंकल होते हैं उन्हें बोलते हैं जियो, जियो। और जो आंटी होती हैं उन्हें बोलते हैं जिया, आंटी को बोलते हैं जिया। उसके बाद में जो उनका बेटा होता है उसे बोलते हैं कुजीनो, कुजीनो। और जो हमारे वालिद होते हैं, मतलब जो हमारे फादर होते हैं, उन्हें बोलते हैं पादरे, पादरे। और जो हमारी मदर होती हैं, जो हमारी वालदा होती है, उन्हें बोलते हैं मादरे, मादरे। उसके हमें जो सिस्टर होती है, बहन होती है, उसे बोलते हैं सोरेल्ला, सोरेल्ला। अभी यहाँ पे जो छोटी बहन होती है, जो यंगर सिस्टर होती है, उसे बोलते हैं सोरेल्ला मिनोरे, मतलब सोरेल्ला। उसके बाद में मिनोरे लगता है, मिनोरे का मतलब होता है छोटी। सोरेल्ला मजोरे बड़ी सिस्टर, मजोरे का मतलब होता है बड़ी। ओके, फ्रातेलो भाई, भाई को बोलते हैं फ्रातेलो। मजोरे वही सेम सिस्टर में, बड़ा भाई फ्रातेलो मजोरे, छोटा भाई फ्रातेलो मिनोरे। ओके, आपको ये समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अभी आगे चलते हैं। अभी अगर क्वेश्चन आपने करना हो, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा होता है ज्यादातर वो ये होता है कि कोमे, ठीक है, कोमे ला तुआ, कोमे स्टा तुआ माद्रे, तुम्हारी अम्मी कैसे है, हाउ योर मदर, ठीक है, आपकी अम्मी कैसी है। आपने कहा मेरी अम्मी ठीक है, माई मदर इज वेल, मेरी अम्मी ठीक है। अभी अगर आपसे आपसे कोई पूछिए आपके अब्बू कैसे, तो आपसे वो कहेंगे कोमे स्टा तो पादर। फिर आप आगे से बोलेंगे मिया पादरेस ता बेने, नहीं बोलेंगे, अभी गलत हो जाएगा, उधर लगेगा मियो पादरेस ता बेने, क्योंकि वो जो है मेल है और फीमेल के अंदर ए लगता है, और जो मेल होता है उसके आगे ओ लगता है। ये आगे हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे इसको भी इंशाल्लाह। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे आते हैं जो हस्बैंड होता है, ठीक है, जो हस्बैंड होता है उसे बोलते हैं मरीतो, जो हस्बैंड होता है उन्हें बोलते हैं मरीतो। और जो वाइफ होती है उन्हें बोलते हैं मोइये, मोइये। बेटे को बोलते हैं फियो, फियो, फिलियो, ठीक है, जो बेटी होती है उसे बोलते हैं फिलिया, फिलिया। ओके, उसके बाद में अगर आपने कहना हो मेरा सलाम कहना अपने हस्बैंड को, ठीक है, आप कहेंगे सलूतामी तुओ मरीतो, या सलूतामी तुआ मोइये, ठीक है, वही ओ की जगह ये लग गया, तुआ मोइये, सलूतामी तुओ फियो, सलूतमी तो फिलियम, ऐसे लगेगा। उसके बाद में पेट्स की तरफ करते हैं, ठीक है, जो पेट होते हैं हम लोग रखते हैं शॉप पे, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वैसे जो जानवर है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, आने वाली सीरीज के अंदर। आप लोगों के पास कोई सजेशन है, आप लोगों को कोई टॉपिक पता है, आप लोग चाहते हैं उसके बारे में वीडियोज बनाऊं, तो प्लीज कमेंट कर दें, बाकी हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, जो डॉग होता है उसे बोलते हैं कान है, कान है। जो कैट होती है उसे बोलते हैं गातो, गातो, जो कैट होती है, जो बिल्ली होती है। उसके हमें जो बर्ड, जो परिंदा होता है उसे बोलते हैं उचेलो, उचेलो। जो फिश होती है उसे बोलते हैं पेशे, पेशे। उसके हमें जो खरगोश होता है, जो बनी होता है उसे बोलते हैं कोनियो, कोनियो। जो सांप होता है, स्नेक होता है, उसे बोलते हैं सेरपेंते, सेरपेंते, जो सांप होता है। ओके, तो अभी हम लोग अपने चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। जो हमारा सेकंड पार्ट था, मैंने बोला कुछ हम वर्ड्स भी करेंगे, तो भी उसकी तरफ ही चल रहे हैं। ओके जी, तो
तो इसके अंदर अगर आपने कहना हो आई वॉन्ट, मतलब आप कभी जब इटली में, आप इटली से, इटली में किसी के साथ बात करते हैं तो आपसे पूछते हैं आपको इटली कैसा लग रहा है, ठीक है हमारा, आपको यहाँ पर आकर कैसा फील हो गया, आपको कितनी देर हो गई यहाँ पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आपने कहना हो आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू इटली, मैं इटली जाना चाहता हूँ, इटली का ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे वोयो व्याजारे इन इटालिया, वोयो व्याजारे इन इटालिया। उसके बाद में आपने कहना हो ये खूबसूरत लैंग्वेज है, ए उना बेलिसिमा लिंगुआ, ए उना बेलिसिमा लिंगुआ, ये एक खूबसूरत जुबान है, लैंग्वेज है। उसके बाद में इट्स यूजफुल फॉर माई जॉब, ये मेरी जॉब के लिए मतलब फायदेमंद है, ठीक है। आपने कहना हो ए उतिले पेरिल मियो लावोरो, ए उतिले पेरिल मियो लावोरो। उसके बाद में आपने कहना हो आई लव इटालियन कल्चर एंड पीपल्स, मुझे इटालियन के लोग और उनका कल्चर पसंद है, तो आप कहेंगे आमो ला कुल्टूरा ए ला जेंते इटालियाना, आमो मतलब मोहब्बत करता हूँ, ला कुल्टूरा कल्चर ए ला जेंते और लोगों को, इटालियाना इटालियन। उसके बाद में वोयो पार्लारे अला फामिलिया देल मियो पार्टनर इटालियानो, आपने कहना मैं अपने जो पार्टनर है उसके बारे में फैमिली को बताना चाहता हूँ, ठीक है जो इटालियन है, वोल्यो चाहता हूँ पार्लारे बोलना, ठीक है ये बताना, अला फामिलिया फैमिली को, दिल मियो पार्टनर मेरे पार्टनर के, इन इटालिया या इन इटालियानो जो इटालियन है, ठीक है इटालियन के अंदर। ओके उसके बाद में आपने कहना हो ये मेरी जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज है, मतलब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ ये उसका हिस्सा है, आप कहेंगे फा पार्ते दे मिए स्टूडी यूनिवर्सिटारी, फा पार्ते मतलब हिस्सा है, स्टूडी जो हमारी स्टडीज हैं, यूनिवर्सिटारी यूनिवर्सिटी की, नहीं मैं छोड़ गया बीच में हमारे। उसके बाद में अगर आपने कहना हो मैं इटली में रहता हूँ, वीवो इन इटालिया, वीवो इन इटालिया। उसके बाद में आपने कहना हो मैं जुबान सीखना पसंद करता हूँ, आमो इम्परारे ले लिंगुए, आमो इम्परारे ले लिंगुए। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी ये जो है ना, अगर इसको किसी ने मिस किया तो समझो उसने इटालियन का तकरीबन 6% मिस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सवाल ही सवाल करते हैं, कोई हमारी बात भी होती है सबसे पहले सवाल होता है उसके बाद में जवाब आता है, ठीक है, सवाल नहीं होगा तो जवाब कहाँ से आएगा, इसीलिए ये सवाल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके जी, क्यों, ठीक है, हम कहते हैं ना वाई, क्यों, उसे इटालियन में बोलते हैं परखे, परखे, ठीक है से बोलते हैं परखे, यहाँ पर है माउस को आप लोग दिखे परखे। उसके बाद में आता है व्हाट, क्या, क्या को बोलते हैं कोसा, कोसा क्या को बोलते हैं कोसा, व्हेन जब कहते हैं ना कब, व्हेन कब, क्वांडो कब, क्वांडो, वेयर हम लोग कहते हैं किधर, वेयर किधर, दोबे उसे बोलते हैं दोबे, किधर दोबे, हु हम कहते हैं ना कौन, हु, की, तो बोलते हैं की। उसके हमें हाउ कैसे, कैसे को में से बोलते हैं को में कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मच कितना, क्वांटो कितना, विच कौन सा, कौन सा, क्वाले, क्वाले कौन सा, ठीक है, इधर दोबारा जो रिपीट करता हूँ, परखे क्यों, कोसा क्या, क्वांडो कब, दोवे किधर, की कौन, कोमे कैसे, क्वांटो कितना, क्वाले कौन सा। अभी लोग कंफ्यूज होते हैं क्वांडो और क्वांटो के अंदर, ठीक है यहाँ पे डी और टी का फर्क है, ठीक है, क्वांडो कब, क्वांटो कितना, ठीक है इसका ही मीनिंग है। ओके तो उम्मीद है आप लोगों को ये लाइव पसंद आया होगा, जो आगे वाले लेसन है मतलब जिसके आगे पीडीएफ का आगे वाला हिस्सा, ये लोग ये वाला हम नेक्स्ट जो आने वाली हमारी कल क्लास है उसके अंदर कवर करेंगे, और क्योंकि मेरे गले में दर्द होने लग पड़ी है तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, और अगर आप लोग मतलब क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा,
उसके बाद में उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पीडीएफ का जैसे कि आपको मैंने बताया था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उधर से स्टडी कीजिएगा। और जो आज हमने अभी नहीं कवर किया वो भी आपको लिंक मिलेगा, आप खुद से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, वरना आगे कल को करेंगे ही। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी, इसको शेयर करें, मिलते हैं कल को, तब तक के लिए।